हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बना रही हूँ गाजर का अचार। तो फर्स्ट टाइम मैं अचार बना रही हूँ अपनी लाइफ में। तो अभी मैं गाजर खरीद के ले आई हूँ। तो ये मेरी गाजर, अरे ये तो मटर है, इसके नीचे गाजर है। देखो, मोटी मोटी गाजरों का अचार बनाऊंगी मैं आज। बाकी घर तो बहुत ही गंदा हुआ है आज। अभी मैंने कोई झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया है। सबसे पहले गाजर धो के रखती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ। राज जो हमारे यहाँ पे नीचे रहते थे भैया, वो जा रहे हैं, उनकी ट्रांसफर हो गई कहीं और, तो वो अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको कैसे सामान इन्होंने पैक करके बाहर निकाल दिया। गाजर के अचार के लिए मैं अभी काट रही हूँ गाजरें यहाँ पे। मुझसे काटी नहीं जा रही है, मतलब इतनी गंदी छुरी है ना, ये मन कर रहा है काट दूँ इसको। तो जाओ, जब तक मेरा अचार बना तब तक आप निखिल को देखो क्या कर रहे हैं वो। तो गाइस, मैंने अमेजोन से पार्सल मंगाया था, ये आ चुका है और बाकी सारे बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, दाल भात खा रहे हैं सबके सब। तो अभी मैं अपने लिए दाल भात डालता हूँ, मैं भी खा लेता हूँ। चलो दाल भात खा लेते हैं, फिर इसको उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। डैडी हंस रहे हैं, आज बहुत दिन के बाद दिखेंगे ना तो हंस रहे हैं। तो यहाँ पे सब बैठ के खा रहे हैं धूप में, फिर इसको बाद में अनबॉक्सिंग करते हैं, पहले खाना खाते हैं। अच्छे से खा, अच्छे से, एक दाना नहीं बचना चाहिए। तेरे से महंगे चावल हैं, अनाज को बर्बाद नहीं करते। अपनी प्लेट दिखाना जरा। मेरी प्लेट तो बिल्कुल साफ है, ये देख थाली है, ये प्लेट नहीं है। जो भी चावल चावल की पूरी मुट्ठी बाहर फेंकी उसको बताओ। गाजर तो मैंने काट के रख दी, थोड़े से मटर भी काट दिए इसके बीच में। लेकिन मेरे को गाजर के अचार की रेसिपी का ही नहीं पता है, तो मैं भी गूगल में देख के रेसिपी देखती हूँ, फिर बनाती हूँ आगे कैसे बनता है। ठीक है, नहीं बनता है तब भी ठीक है। यही मेरी गाजरें जो कि मैंने धूप में रखी थी, अब मैं जा रही हूँ डालने अचार। तो मेरी गाजर का अचार बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। हाँ, ठंडा हो गया था तो मैंने इस जार में डाल दिया इसको, जो कि मैंने अभी खुले छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे रख रही हूँ मैं अब इसको। अभी मैं धोने जा रही हूँ बर्तन, जो कि मेरे दिन के थे बर्तन थे, तो अभी मैं धो लेती हूँ इनको, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज। अभी मैं गर्म पानी की बाल्टी भी लगा लेती हूँ, नहा लेती हूँ। हर एक दिन से नहाई नहीं मैं, जागी हूँ मैं नहा के, आज बहुत ही लेट नहाई मैं। अभी लग नहीं रहा होगा मैं नहाई हूँ, पर मैं नहा के आई हूँ अभी। तो अब मैं जा रहा हूँ बैंक, ये चेक डालना है और एडिटिंग के लिए फोटोज वगैरह दे के आनी है बंदे को। तो पेन ड्राइव भी साथ में लेके जा रहा हूँ, वहीं से वो वाला काम भी कर लूंगा। उसके बाद जाके ना उसको सारा डाटा कॉपी करा के आ जाऊंगा, फिर वो फोटोज का डिजाइनिंग और शीट बना के मेरे को कल तक भेज देगा। उसके बाद मैंने उसको प्रिंट भी करवाना है और पूरी एल्बम तैयार करवानी है। तो पहले चलते हैं बैंक, फिर जाएंगे हम उसके पास। चलो चलते हैं, क्योंकि स्कूटी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। उसको वॉश भी करवाना है, कल टाइम मिलेगा तो वॉश करवाऊंगा, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो देखते हैं स्कूटी कैसी गंदी हो रखी है। फर्स्ट टाइम मैंने अचार डाला हुआ है। ऐसे मेरी दादी ताई जी डालते थे अचार, या तो पापा या तो मम्मा। बहुत टेस्टी अचार डालते हैं वो भी, देखो अब निखिल को। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं घर, सारा डाटा वगैरह कॉपी करा दिया है, मार्केट भी घूम के आ चुके हैं, बहुत खज्जल हो गया। वो दुकान पे था नहीं तो मैं खुद ही कॉपी करके आ गया उसके कंप्यूटर में। तो मेरे को फ़ोन आया था, जैसे मैं वहां से निकला मेरे को फ़ोन आ गया कि भाई आपने डाटा कॉपी कर दिया है। मैंने कहा हाँ भाई कॉपी कर दिया है, बस मेरे को कल तक बना के दे देना अच्छे से। तो कल तक फाइनली वो मुझे अच्छे से बना के दे देगा शीटें वगैरह, फिर हम लोग उसको जाके प्रिंट करवा लेंगे एल्बम, है ना। तो अभी घर में निकाल रहे हैं मक्खन, मक्खन लटक रहे हैं ये हमारे कान्हा जी बैठे हैं चोरने के लिए, और मक्खन निकाला जा रहा है यहाँ पे ऐसे। हमने बाजार से लाते ही नहीं, हम घर में ही निकाल लेते हैं मक्खन। क्यों, फिर भी ना हमें घर का मक्खन बिल्कुल भी नहीं पसंद, हमें बाहर का ही मक्खन पसंद है। तो हमने 3-4 चक्कियाँ ला के रखी हुई है अमूल की, घर का अच्छा नहीं होता, वो नमकीन होता है ना, ये फीका होता है। तो यहाँ पे सबके सब कंबल के अंदर बैठे हैं। यार एक चीज और, यहाँ चंडीगढ़ में इतनी गर्मी है, यहाँ चंडीगढ़ में इतनी सर्दी पड़ रही है ना, बाहर बहुत बुरा हाल है। कल परसों मैं शूट करने गया था कसौली, वहाँ इतनी धूप और यहाँ पे इतनी फॉग थी, और वहाँ पे इतनी धूप थी ना पूछो मत। वहाँ गर्मी हो रही है ऊपर पहाड़ों में, और नीचे यहाँ सर्दी हो रही है। वाह क्या लाइफ आ गई है, वाह पोपट हो गया है पोप। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।